वाले हेलो दोस्तों, बुजुर्ग बच्चा पार्टी मेरे समझे फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और ये जो 1500 किलो का पाउडर देख रहे हो आप, पाउडर ये लगवाया है क्योंकि बाहर देखिए दसानिस खिला खिला, मौसम काफ़ी गर्मी वाला है। जैसे कि आपको पता ही है, अगर रोज़ फॉलो करते हो आप, हम मोटो ब्लॉगिंग में बताए थे कुछ दिन पहले, मौसम काफ़ी औसम चल रहा है बाहर, बहुत ही तेज़ धूप, इसके लिए पाउडर जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवेज अभी निकलने वाले हैं टुवर्ड्स बायहटा चारियाली, क्योंकि आज एक राइड है एंड राइड हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया राइडर्स कम्युनिटी विद ए मोटो लाइक सेव अर्थ बाय प्लांटिंग ए ट्री। सो इस तरह का मोटो लेके, अच्छा वाला कॉज लेके हम लोग राइड करने वाले टुवर्ड्स बायहटा। बहुत सारे बाइकर्स के साथ आज मुलाकात होने वाला है, तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल में डाल दिया था। तो देखते हैं कौन कौन भाई साहब, बहन लोग, भाई लोग आते हैं मिलने के लिए, एक साथ राइड करने के लिए। इसलिए बोलता हूँ इंस्टाग्राम में फॉलो करो, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अभी चलो 1500 किलो का पाउडर लेके बाहर जाते हैं, चलो। तो अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स भेटापारा पेट्रोल पंप, वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि निको भाई करेंगे फ्यूल अप और वहाँ से हमें ज्वाइन करने वाले हैं शमीम भाई। अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तब आपको पता होगा शमीम भाई कौन है, क्योंकि कुछ दिन पहले शमीम भाई का था बर्थडे, तो वहाँ पे मैंने स्टोरी वगैरह दिया था इंस्टा में। और मुझे फ्यूल अप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल ही मैंने करवाया था 500 का। मैंने पहना है मैश जैकेट राइनोक्स का, और मैश जैकेट का यही फ़ायदा होता है कि अंदर घुसता है हवा। और जो सुबह आपने देखा, मतलब थोड़ी देर पहले जो आपने देखा, पाउडर वाउडर लगा लिया था मैंने, तो ठंडा ठंडा था, कूल महसूस हो रहा है अंदर में। एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड गाइस, ड्यूरिंग समर्स आप पाउडर वाउडर लगा के राइड पर निकलो, तब पसीना है, उल्फत तो निकलता है लेकिन वो आपको मन और आत्मा और शरीर को ठंडक पहुंचाता है। लेकिन कृपया ध्यान दें, यहाँ से राइट टर्न लेना है लेकिन रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है तो थोड़ा रुकना है। हाँ बढ़िया बढ़िया, हाँ बढ़िया बढ़िया, हाँ बढ़िया भाई साहब बढ़िया, एकदम ताबड़तोड़ चलाते हो आप। हाँ हाँ, उधर से जाके उधर कट मार लो। हाँ बढ़िया बढ़िया, हे इलाहन मानो हागा लगी ठाके नहीं की हागा लगे सके। हाँ ये कहने मैं फॉर डर। चलो आ गया है ग्रीन लाइट, तेल का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। और ये रहे हमारे शमीम भाई, और इनका स्कूटी काफ़ी हेविली मॉडिफाइड तो नहीं, मतलब कुछ बहुत मॉडिफाइड है, तो अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी पता चला ना हमको, अभी पता चला ना, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे सबको भी, और जितने भी हमारे भाई लोग बहन लोग हैं उनको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे हमारी तरफ से। तो भाई साहब ने मोबाइल गिरा दिया था, तो हमारे शमीम भाई ने कर दिया वापस। एनीवेज लेट्स गो। यहाँ जो है लेफ्ट हैंड साइड में, ये है रविंदर यामाहा का सर्विस सेंटर। कुछ भाई लोगों ने पूछा था कि गुवाहाटी में कहाँ पे है यामाहा का सर्विस सेंटर, सो गाइस दिस इज़ द प्लेस। और यही कहीं पे अपोजिट साइड में है हार्ली डेविडसन, हार्ली डेविडसन का शोरूम प्लस सर्विस सेंटर, उसी के पीछे में है कावासाकी का सर्विस सेंटर। जी हाँ, और इस जगह का नाम है नालापाड़ा, ASTC गो विथ लीसा मुनी, लीसा मुनी गो विथ लीसा मुनी। ठीक है, लीसा मुनी का एड्रेस दे दो, उनके साथ ही जाना है मुझे। हाँ इसे बोलते हैं ट्रैफिक फिल्टरिंग। जी हाँ धन्यवाद। बहुत खुश होगे तुम आज, बहुत खुश होगे क्योंकि हाईवे के बीच में डाल दिया है तुमने स्पीड ब्रेकर। लेकिन चुपता है पिछवाड़े में, चुपता है स्पीड ब्रेकर में डालने से गाड़ी, इसलिए बोलेंगे अच्छा नहीं है। तो हमारे इस राइड का स्टार्टिंग पॉइंट था जालुकबारी, सॉरी जालुकबारी नहीं, आदाबारी में एक टायर शॉप का शॉप था, इंडिया टायर शॉप बोल के, वहीं से था स्टार्टिंग पॉइंट 8:30 बजे। और अभी टाइम हो रहा है 9:03, तो एज यूजुअल आई एम लिटिल बिट ऑफ लेट। तो आज का प्लान है वहाँ से निकलेंगे हम लोग टुवर्ड्स बायहटा, बायहटा में मदन कामदेव बोल के एक प्लेस है, वहाँ जा रहे हैं हम। জুবিনদা কি করিস, সিমেন্ট বিক্রি করি আছে নাকি? আইও হে বেয়া লাগছি মোক, হে বহুত বেয়া লাগছি। হ্যাঁ ও লোক আমি সরাইঘাট ব্রিজ কে উপর মে, তো ফির ফটাফট নিকলতে সরাইঘাট কে লিয়ে। तो यहाँ पर जो छोटा मोटा सा कांड हुआ था,
वो प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व। जिस व्यक्ति का हुआ था एक्सीडेंट उनको भेज दिया गया है एम्बुलेंस में, और पुलिस वाले आए थे तो बस को लेके गए हैं थाने में। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। सो गाइस, जो इंसिडेंट हुआ था इट वॉज लाइक के हमारे जो R15 वाले भाई साहब थे वो जा रहे थे आगे, एंड पीछे से बस वाले ने ठोक दिया। जो राइडर है ही सीवियरली इंजर्ड, पैर में चोट आई है उनको। ऐसा इंसिडेंट अच्छा तो नहीं लगता, बट ये आपके साथ भी हो सकता है। सो उनका सिर बच गया क्योंकि ही वॉज वेयरिंग हेलमेट। अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ होता तो शायद इससे ज़्यादा बुरा होता। फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न हमेशा हेलमेट पहनो। आपके पास स्किल्स है, कॉन्फिडेंस है, इट्स ऑल गुड, बट डोंट ट्रस्ट समवन एल्स ऑन द रोड। वाला पुलिया जाने वाला, मतलब बोले तो गुवाहाटी से निकलने वाला पुलिया और वो गुवाहाटी में घुसने वाला पुलिया। अरे क्या खुदाई करने जा रहा है तू बाबा। दिस इज द रीज़न वाई आई लव गुवाहाटी, इट इज़ सो ग्रीन, बट ह्यूमिडिटी भी काफ़ी है दोस्तों, इसलिए पसीना निकलता ही रहता है। अभी भी जैकेट के अंदर पूरा लथपथ है पसीना। ये रहा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे गौरव भाई, हमारे मित्र है। ऐसा लगा थोड़ी देर पहले, थोड़ा पहले थे हम। एनीवेज यहाँ पे था मिड पॉइंट नंबर 2, तो यहाँ पे बाकी के सारे लगभग 45-50 बाइक्स आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अभी डेस्टिनेशन है लगभग 10 किलोमीटर जैसा होगा, और गर्मी तो पूछो मत। ये मदन कामदेव वाले रोड में, ये रहा मदन कामदेव का पोस्टर और ये रहा मेन गेट। प्रवेश कर चुके हैं, प्रवेश। वाव, इतना अच्छा लग रहा है लाइनअप देख के। बहुत दिनों के बाद चला रहा हूँ ऐसे लाइनअप पे। जनरली ऐसे रैली वगैरह मैं करता नहीं हूँ। अच्छा लगता है लेकिन कभी कभार, नॉट ऑलवेज। के लाइव नहीं आओ। सो यप गाइस, जस्ट नाउ पहुँचे यहाँ पे। मदन कामदेव बोल के जगह का, प्लेस का नेम है, और यहाँ पे कुछ दिन पहले भी आया था मैं, लाइक लास्ट ईयर का वीडियो ऑलरेडी है चैनल में। यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा कहीं पे। तुम भागते हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम छोड़ो। तबियत खराब हुआ थोड़ा। क्या आदमी है, गिफ्ट मांग रहा है। देखो रिपुल भाई, देखो गिफ्ट मांग रहा है। तबियत थोड़ा सा खराब, थोड़ा सा नाजुक हो गया। वो बताया था ना वीडियो में, धोखा दे दिया रिपुल भाई ने ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट राइड। ये आदमी अभी क्या बोल रहा है, फ्रेंडशिप में गिफ्ट दे दो। फ्रेंडशिप निभाओगे तभी तो गिफ्ट मिलेगा। थोड़ा सा तबियत खराब है बस, थोड़ा सा। हां नेक्स्ट टाइम जाऊंगा ना। अरे होगा, तबियत खराब है आ जाना, बिगाड़ देंगे उसको और ज्यादा बिगाड़ देंगे, टेंशन नहीं उसमें। तो आगे का प्लान क्या है अभी? अभी पानी पी रहा है, फिर देखते हैं क्या होता है। छिला हुआ मुर्गी जैसा लग रहा है यार, दाढ़ी वाली काट। मुझे तो आज का राइड का जो मोटो था वो था सेव अर्थ बोल के, तो वही प्लांट ए ट्री, प्लांट ए प्लांट, प्लांट ए प्लांट, दे विल गिव यू बैक यू फ्रूट, मतलब फ्रूट मिलेगा। तो क्या फ्रूट मिलेगा, वो ये मिलेगा कि एनवायरनमेंट बहुत ही, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हो रहा है, फलाना डिमका हो रहा है, तो इट इज मस्ट दैट यू शुड, आपको ट्री वगैरह प्लांट करना चाहिए। तो हम लोग उसी कारण आए हैं यहाँ पे, तो प्लांट करेंगे ट्री और देखते हैं क्या क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ में है अनुभव भाई। हाँ शिवांश भाई। तो चैनल का नाम क्या तुम्हारा? अनुभव पटवारी। अनुभव पटवारी बोल के चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाइए सपोर्ट कीजिए। और भाई भी ब्लॉग वगैरह बना रहे, आज हमारे साथ बना, एक बनाया था हम लोगों से। हाँ, दो बनाया मैं ऑलरेडी, दो ब्लॉग बना चुके हैं हमारे साथ। हम निको भाई और ये गए थे दीपोर बिल, वहाँ पे एक ब्लॉग है, और खानापारा में आसाम फ्लड रिलीफ, आसाम फ्लड रिलीफ का एक ब्लॉग है, और आज यहाँ पे ब्लॉग बनाया। तो उसका चैनल भी चेक कीजिए, अच्छा लगे तो कॉन्टेंट सब्सक्राइब। बुक कर गए, खाना मिल रहा है, चलो खाना मिल रहा है, चलो 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 खाना खाने आना, चलो कुछ बोलना है। अरे खुशी के आंसू, अरे अरे बाप रे, बहुत खुश। अरे हेलमेट चोरी हो जाए, हेलमेट चोरी हो जाए, हेलमेट लेके जा। मिल गया खाना? खाना मिल गया, अभी खाएंगे एक साथ मिलके। टेंशन नहीं है, ठीक है ठीक है। पानी 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 दो।
तो आशा करते हैं इसके अंदर में चिकन विकन मिलेगा, टंगड़ी कबाब मिलेगा, अफगानी कबाब मिलेगा, मुलाई मिट्टी सॉरी कुछ कुछ मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है। केला और चना है, केला और चना है भाई। ए, केला मत बोलो, केला है, केला केला क्यों बोलता है। सो पेट पूजा हो चुका है खत्म, और यहाँ पे एक मित्र जो पहले से पहचान वाले है, मित्र है पालस भाई, इनका भी यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है, पलास आदि, पलास आदि ये वाला लिखा हुआ ना, लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भाई का चैनल चेक कीजिए, ताबड़तोड़ वाला कंटेंट मिलेगा। आज इसको इनवाइट कर रहा हूँ पुणे में, मैं वन ईयर के लिए हूँ, तो भाई को आना है, जरूर जरूर आएंगे, अगर प्लान करते हैं मतलब उस तरफ जाने का तो जरूर जाएंगे, पुणे के साइड में भी। बीते हुए आप पहुंच चुके हैं हमारे डिंपू बरुआ जी, तो कैसे है भाई साहब बताइए थोड़ा। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आज मतलब फ्रेंडशिप डे है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी भाई ने गिफ्ट दिया है ये पत्थर घर मकान तैयार करने के लिए, खुशी की खबर है क्योंकि ये जैसा लेंस जो लेंस से आप देख रहे हो वीडियो, ऐसा लेंस मैंने भी खरीद लिया है, परचेस कर लिया है, तभी भाई का वीडियो भी पूरा सुपर व्यू वाले मूड में आएगा, जैसे गोप्रो में आता है यहाँ पे भी आएगा, और क्वालिटी इंक्रीज हो गया। सिराज भाई को देख के ही मैंने ये लिया है, और थैंक यू। चलो चलो वेलकम, और काम करते हैं ना दोनों का मिलन करवाते हैं, कुछ निकल आए तो। अभी इंतजार हो रहा है, प्लांटेशन जो करेंगे हम लोग, उस प्लांट को लाने गए हैं भाई साहब, प्लांट करेंगे, और इस तरफ है मदन कामदेव का मंदिर, थोड़ा ऊपर जाने से मिलेगा आपको। स्पेशलिटी अबाउट दिस टेम्पल इज ये मिट्टी के नीचे से मिला था आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को, तो जब तक आ जाता है प्लांट जिसको करेंगे प्लांट, वो आने से पहले देख लिया सिनेमेटिक शॉट, उसके बाद मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए हमारे घर में थोड़ा सा कुछ है, इवनिंग को नारायण पूजा बोलते हैं इसे, तो आप लोग दोनों जाएगा ठीक है। चलो सो डेट्स इट गाइस, आपने देखा होगा सिनेमेटिक शॉट वगैरह, आज थोड़ा अलग से किया था मैंने सिनेमेटिक शॉट, उसके बाद दिखाया ला प्लांटेशन वगैरह, टी प्लांटेशन, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि प्लांटिंग ए ट्री इट विल रिटर्न यू बैक सम फ्रूट, ऐसा नहीं कि हर वक्त अपेल और अंगूर ही मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन मिलेगा, छाव मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो भी एक तरह का फ्रूट ही है ना। हाँ वही बात है, सिर्फ लालची मत बनो, गार्बेज मत करो, थोड़ा प्लांटिंग करो। तो अभी जाएंगे कुछ होटल वोटल में कुछ खाएंगे और वीडियो को वहीं पे एंड करेंगे। चलिए तो जैसे तैसे वहाँ से निकले हैं, अभी गर्मी में हालत देखिए क्या हो गया है, थोपड़ा देखिए एक आदमी का पसीने से लथपथ और इधर में पसीने से लथपथ है। उधर आदमी लोग दिखाई नहीं दे रहा, इतना गर्मी है दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी यहाँ पे आया, खाना वाना ऑर्डर कर लिया, चिकन फ्राइड राइस, इधर में वही चाउमीन वाउमीन ऑर्डर कर दिया, इधर हमारे बुक्कर भाई रोटी पेलेंगे आज। तो एनीवेज गाइस, तो आप पॉसिबल हो सके आपसे भी तो आप भी प्लांट थोड़ा कीजिए, है कि नहीं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही बढ़ रहा है, और ऐसा ना हो कि हम तो चला के चले गए, बाइक चलाए, गाड़ी चलाया, भविष्य में मतलब साइकिल चलाने की नौबत आ जाए, ऐसा पोल्यूशन बढ़ जाएगा। ट्रीज वगैरह प्लांट करो ताकि एनवायरनमेंट को आप बचा सको। तो वही है विद दिस मैसेज, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइट सेफ। चलिए बाय 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 बाय।